तो ये देखिए हादसे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से खाई में जब बस गिरी उसके बाद वहां पर लोग पहुंचे और रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। रियासी के जंगलों में यह हादसा हुआ है, तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। आतंकी हमला और इस पर अब देश में गुस्सा भी है। बस पर फायरिंग की गई जिसके बाद बैलेंस बिगड़ा और खाई में तीर्थ यात्रियों से भरी बस जा गिरी, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई है। और जानकारी जो अभी है कि 33 लोग जो कि घायल बताए जा रहे हैं। देखिए इस हमले में 33 लोग घायल हुए हैं। जो बस है मेरे ठीक पीछे, यहीं से शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जा रही थी और आगे एक टर्न पर जैसे वो बस पहुंची तो वहां आतंकी घात लगाकर बैठे थे और उन्होंने इस बस पे फायरिंग कर दी। जहां तक आपने घायलों की बात की है, तुरंत 6:10 पर जब ये हमला हुआ और 8:10 यानी कि 2 घंटे के ड्यूरेशन में सारे ऑपरेशन को, जो यहाँ पर बचाव ऑपरेशन था, उसको पूरा कर लिया गया। और उसके बाद जो हॉस्पिटल हैं, चाहे वो जम्मू का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो, कटरा का जो नारायणा हॉस्पिटल हो, या यहाँ का जो स्थानीय अस्पताल है, इन 3 जगह पर जो है लोगों को रेफ़र किया गया। जो ज़्यादा गंभीर लोग हैं उन्हें जम्मू या नारायणा हॉस्पिटल, जो कि यहाँ कटरा में है, वहाँ पहुँचाया गया, और जो लोग मामूली तौर पर ज़ख्मी थे उन्हें यहाँ के स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनका इलाज जो है आज भी चल रहा है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जिन्हें मामूली चोटें लगी है उन्हें आज शाम तक अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। जो है सेना पहुंची है, सेना के जवान पहुंचे हैं ताकि इस पूरे जंगल को कॉर्डन किया जाए और यहां छिपे आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। आधुनिक हथियारों से लैस ये जवान यहां पर उस पूरे हाईवे को घेर कर खड़े हैं जहां पर यह हमला हुआ था और जहां से ये बस नीचे खाई में गिरी थी।